उत्तर प्रदेश के संभल में सीएम योगी के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव चुनावी सभा करने पहुंचे हैं। सीएम योगी ने मंच से भारत माता की जय और जगत जननी मां केला देवी के जयकारे के साथ संबोधन शुरू किया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में इसी धरती पर भगवान श्री कल्कि का अवतार होना है, इसलिए इस धरती का अपने लिए अलग महत्व है। संभल की पहचान होनी चाहिए। तीसरे चरण में संभल में चुनाव होना है। दो चरणों के साथ पूरा देश बोल रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार, नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश में, नए संभल की अपनी पहचान होनी चाहिए। तीसरे चरण में आपको संभल में चुनाव करना है। अब तक जो रुझान है, एक बार मोदी सरकार की आवाज़ आ रही है। संतों को प्रताड़ित करते थे सीएम ने कहा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी के हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो तो वो किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यह लोग माफिया और अपराधियों का गले का हार बनाते थे, इसका महिमा मंडल करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित हैं, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है। रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपटना भी जानता है, अच्छी तरह जानता है और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं मैं आज। जैसे परमेश्वरलाल सैनी, आपने देखा होगा परमेश्वरलाल सैनी सम विषम परिस्थिति में एक समान रहने वाला कार्यकर्ता है। सम विषम परिस्थितियों में, हार में या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, यानी वह किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं, हर विषम परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा। और फिर जब मां केला देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है उनको, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।